हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप। चलिए आज फिर आपके लिए मैं लेके आई हूँ दो ऐसी रेसिपी जो झटपट और फटाफट बन जाती है, और अगर खाने में इस रेसिपी को रख दिया जाए तो चार चांद लग जाते हैं, यानी कि आप एक चपाती एक्स्ट्रा खा जाएंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो आज की जो रेसिपी है उसे बनाने के लिए हमें हरी मिर्च की ज़रूरत है, और हरी मिर्च के अलावा कुछ मसालों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो मसाले भी मैं आपको बताती हूँ। और इसे हम बनाने वाले हैं दो तरीके से। जी हाँ फ्रेंड्स, दो तरीके से। इसको बनाना बहुत आसान है और आप इसे इंस्टेंट भी खा सकते हैं, और इसको वैसे तो खाया जाता है 3 दिन के बाद, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाना बता रही हूँ तो वो आप उसे तुरंत भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही शानदार है, टेस्टी है, और आप इसे हमेशा बनाना पसंद करेंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे, और फ्रेंड्स ऐसी और रेसिपीज़ के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की रेसिपी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ ज़रूर लेके आऊँगी, आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स चलें हम इस रेसिपी को बनाने के लिए, जो कि बहुत आसानी से और झटपट बन जाती है और ज़्यादा मेहनत मशक्क़त भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इसे बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिकूट वैष्णवी किचन। आज की जो रेसिपी है फ्रेंड्स वो है हरी मिर्च की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने ये देखिए इस तरह की हरी मिर्च ली है, जिसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। पहले वॉश करने के बाद में इसको पोंछ लेंगे, यानी कि इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं रखेंगे और साफ़ कर लेंगे इसको। और फिर हमें क्या करना है, इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। तो जितनी भी हरी मिर्च थी सभी को मैंने इस तरह से कट लगाया है, और ये देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसे कट लगाते वक्त थोड़ा ध्यान से लगिए, क्योंकि ये थोड़ी पतली वाली है इसलिए इसको कट लगाते वक्त कहीं हाथ में नहीं लग जाए, तो इसका आप ध्यान रखिए। और इसके कोई बीज नहीं निकालने हैं, ये ज़्यादा तीखी भी नहीं है, जिस तरह से मैंने लिया ना वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और वैसे भी मिर्च में थोड़ा तीखापन हो तभी वो बहुत अच्छी लगती है ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी के कट लगा दिया है इसी तरह से, और कट लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है जिसके अंदर मैंने 4 से 5 चम्मच राई ली है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसके चम्मच की क्वांटिटी आपको बताई है कि 4 से 5 चम्मच आपको करीब करीब इसमें राई लेनी है। 1 चम्मच अब हम इसमें लेंगे दाना मेथी, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और इसमें डालेंगे पीली वाली राई। अगर आप जीरा नहीं लेना चाहते तो इसमें सौंफ डाल सकते हैं। यहाँ छोटी चम्मच मैंने ली है कलौंजी, और इन सभी को हमें क्या करना है, इनको हम दरदरा पीसेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लिया है, और इसके अलावा जो मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे, तो पहले हम इसको दरदरा पीस लेते हैं। इसको पीसने के लिए मैंने यहाँ ग्राइंडिंग जार लिया है, उसके अंदर इसको डाल दिया है, और डालने के बाद में अब इसको ग्राइंड कर देंगे, और जो मसाले हैं बाकी के वो फिर हम इसमें बाद में मिक्स करेंगे जब ही पीस जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर या किसी बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ, और इस तरह से हमने जो ये मसाले लिए थे, बस आपको ये ध्यान रखना है अगर मसालों को अगर आप हल्का भून करके फिर इसमें डालते हैं तो टेस्टी बनेंगे। अब मैंने ये पहले से ही इनको भूनते क्यों हैं, ताकि वो थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाए। तो मैंने क्या किया, इनको दो तीन दिन पहले ही धूप लगाई है मैंने इसकी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट में मसाला निकाल लिया, उसमें डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अगर आप नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर दें, बाकी इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके बाद में यहाँ पर डाल दिया है मैंने गरम मसाला, और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इतने ही मसाले डाले हैं, इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और लास्ट में हम इसमें लगाएंगे हींग का तड़का, तो वो देखिए कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें,
और ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे तो पाउडर के जैसा है, ये कैसे भरेंगे, है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ ऑयल गरम किया है एक चम्मच, उसमें डाल दिया है हींग। तो जैसे हींग का तड़का बता रही थी वो इस तरह से लगाना है। अब ये पूरा ऑयल ही हमें इसके अंदर डालना है, तो ऑयल के लिए मैंने आपको बता दूँ कि एक बड़ा चम्मच ऑयल का लिया है मैंने, और इसके अंदर डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ ऑयल को गरम करना है, गरम करके उसमें हींग डालना है, थोड़ा सा ठंडा होने पर इसके अंदर मिक्स कर देना है, या गरम भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि मसाले जो हमने रोस्ट नहीं किए थे वो यहाँ पर थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे। यहाँ मैंने इसमें नींबू का रस भी डाल दिया है, आप चाहे तो अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, उसके बाद में तब हम इनको डालेंगे मिर्चियों के अंदर। तो दो तरीके से इसको बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो स्किप हो जाएगा कि मैं इसको दो तरीके से कैसे बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए मसाला हमने बना लिया है। अब ये जो मिर्चियों में हमने कट लगा के रखा था, उसके अंदर हम इस मसाले को इस तरह से फिल कर देंगे। अंगूठे से दबाते हुए इसको अंदर की तरफ मसाले को दबा दीजिए, मिर्चियों को बहुत अच्छे से भर दीजिए आप। और आपको इसको अब पकाना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको पकाना है या कुछ करना है, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मसाला बहुत अच्छे से भर जाए इसके अंदर। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ एक दो मिर्चियाँ भर के कि किस तरह से भरा जाएगा। उंगलियों से और अंगूठे की सहायता से हमें इसके अंदर पूरे मसाले को अच्छे से भरना है। अब जो कि मिर्ची ज़्यादा मोटी भी नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से ही हम बना सकते हैं, है ना। इन सभी मिर्चियों को हम अच्छे से दबा दबा करके भर देंगे, है ना। इसके बाद के स्टेप पे चलेंगे, तो उसके लिए हम पहले एक बार इनको मिर्चियों को फिल कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार लग रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है दिखने में, खाने में तो होगी ही होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी मिर्चों को इसी तरह से फिल कर लिया है। अब हम आते हैं इसके दूसरे स्टेप पर, यानी कि दूसरी तरीके से कैसे बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर और हरी मिर्च ली है, और इसको इस तरह से छोटी छोटी पीसेस में कट करना है। तो इस तरह से छोटी पीसेस में कट करने के बाद में हम इसको बनाएंगे। तो इसके अंदर एक ख़ास बात है कि जो हम बड़ी लंबी मिर्चियों के अंदर जितना मसाला भरते हैं ना, उससे कम क्वांटिटी में ये कटी हुई मिर्चियों के अंदर मसाला लगता है। तो इसलिए इसको बनाने के लिए ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ में आएगा। तो आधा मसाला हमने उसमें भरा है, और कुछ मसाला मैंने ये कटी हुई मिर्च के लिए बचा के रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सभी मिर्चियों को कट कर लिया है। इनको भी आपको अच्छे से धो के वॉश करके सुखा के फिर ही काटना है। और जो बाकी का मसाला बचा हुआ था वो सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है इस तरह से। और उसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च के अंदर भी तीखापन होता है, लेकिन जो राई है इसके अंदर उसके खट्टेपन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको भी कुछ इसी तरह से बनाना है। ये देखिए दूसरे तरह से भी ये बन करके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ही एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर के रखना है। और आपको वैसे अगर परफेक्ट तरीके से खाना है तो इसको 3 दिन का इंतज़ार करिए, और अगर नहीं आप वैसे भी खा सकते हैं, इसको इंस्टेंट भी खा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से 3 दिन के बाद में गल जाती है, अच्छे से तैयार हो जाती है। तो ये राई वाले मिर्च को हम 3 दिन के बाद में अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि जो राई वाली हरे मिर्च है वो मैंने जो बनाई है उसमें कटी हुई मिर्च ज़्यादा बेस्ट थी या फिर लंबी वाली। मसाला दोनों में एक जैसा ही है, अलग अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और इस तरह की और रेसिपी के लिए भी आप मुझे कमेंट करिए। तब तक आप इसे इंजॉय करिए।